किसी ने क्या खूब कहा था कि मेहनत जो है वो इतनी खामोशी से करें कि आपकी कामयाबी जो है वो धूम मचा दे। मैंने भी इसी चीज़ पे फोकस किया और अपना सफ़र जो है यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मुजफ्फराबाद से दाऊखंड टॉप के लिए। दाऊखंड टॉप बाबूसर टॉप की तरह का ये एक टॉप है, लेकिन इसकी हाइट बाबूसर टॉप से कुछ कम है। असल में हुआ कुछ यूँ कि हम अपने दोस्तों के साथ सैर करने नीलम वैली आए। मौसम ख़राब था जिसका हमें आइडिया था, तो बारिश की वजह से मेरे दोस्त कुछ फेडअप हो गए और वापस चले गए, तो मैं लीपा वैली की तरफ आ गया। मुजफ्फराबाद से दोस्तों को अलविदा किया और वेदर अपडेट ली और पता लगा कि जी वेदर 2 दिन ठीक है। तो मैंने मुजफ्फराबाद से लीपा की तरफ अपना सफ़र शुरू किया और यहाँ टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर हटिया बाला पहुँच के मैंने यहाँ से पूरी गाइडेंस ली। गाइडेंस लेने के बाद मैं ये नेली पुल से होता हुआ दाऊखंड टॉप की तरफ चला गया। प्लान मेरा ऐसा था कि मुझे जाना था लीपा वैली, लेकिन रास्ते में ये सारे पॉइंट आते थे। हटियां बाला एक शहर है मुजफ्फराबाद से तकरीबन को 35 किलोमीटर आगे। रात मुझे देर हो गई तो मैंने हटियां बाला में स्टे कर लिया, क्योंकि ये सारी फॉरेस्ट लैंड आगे 60 किलोमीटर का घना जंगल है। तो क्योंकि मैं अकेला था तो घने जंगल में रात का सफ़र जो है वो कुछ गैर मुनासिब हो सकता था। वैसे तो ये एरिया सेफ है, लेकिन दोस्तों के साथ अलग ही मज़ा होता है। कोई मामला हो भी जाए तो फिर दोस्त जो है वो साथ होता है। हटिया बाला से आगे का सफ़र तकरीबन कोई 70 किलोमीटर रह जाता है, या 70 से भी कुछ ज़्यादा कह लें हम 72 किलोमीटर। मुजफ्फराबाद से ये जो पूरा ट्रैक है ये बन जाता है तकरीबन, अगर आप इसमें दो गांव लीपा वैली के भी शामिल कर लें, मडा कुली और कुली मंडल, तो ये तकरीबन मुजफ्फराबाद से 110 किलोमीटर या 120 किलोमीटर आप लीपा वैली पूरा ये ट्रैक कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें बहुत भी टाइम लगे तो 3 घंटे या 4 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। सारा रोड कारपेट है, कोई परेशानी नहीं है। अगर ऐसा हो कि कोई ऑफ रोड है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये है कि ये जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाते जाते हैं आप हाइट पर जाते जाते हैं। ये जो एरिया सारा है मुजफ्फराबाद से लीपा वैली की तरफ, यहाँ पे कश्मीर की सबसे ज़्यादा गंदम काश्त होती है। यहाँ पे प्लेन लैंड बहुत ज़्यादा है। आप सड़क पे जा रहे हैं तो साइडों पे आप देखेंगे आपकी दूसरी साइड पे आपको पहाड़ों के बकायदा डिजाइन बने हुए नजर आएंगे, स्टेयर्स टाइप। वो सारी एरिया जो है वहाँ पे जो है वो गंदम काश्त होती है। एक्चुअली मेरे दोस्त जो हैं वो बारिश की वजह से फेडअप बहुत ज़्यादा हो गए और उन्होंने वापसी जो है वो वापसी का इरादा किया। मैंने दोस्तों को काफ़ी समझाने की कोशिश की, कन्विंस करने की कोशिश की कि आप लोग मेरे साथ चलो, आप लोग मेरे साथ चलो, लेकिन दोस्त जब इरादा कर लें तो वापसी का, तो फिर उनका वापस जाना ही मुनासिब था, तो वो वापस चले गए। अब ये मुजफ्फराबाद से मैंने रात तकरीबन कोई 4 बजे अपना सफ़र शाम को शुरू किया और मगरिब के टाइम तक 35 किलोमीटर सफ़र करके मैं आ गया था हटिया बाला सिटी में। आपको वहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छे होटल्स मिल जाते हैं और मार्केट है, कुछ आपने अपनी शॉपिंग करनी है वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने रात हटिया बाला में स्टे करके सुबह सुबह हटिया बाला से निकला हूँ। तो ये पीछे जो आपने ब्रिज देखा था, इस ब्रिज को कहते हैं नीली पुल, ग्रीन कलर का, जहाँ पे मैं टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर पे गाइडलाइंस ले रहा था। टूरिस्ट पुलिस इस इलाके में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो मैंने वहाँ पे गाइडेंस ली। उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन ये लीपा तक 60 किलोमीटर का जंगल है, उसके बाद रास्ते में उसी 60 किलोमीटर में पॉइंट्स आते रहेंगे। अभी हम जा रहे हैं दाऊखन। दाऊखन एक हाईएस्ट पॉइंट है इस एरिए में, टॉप कह लें। सर्दी के महीने में यहाँ काफ़ी बर्फ़ पड़ती है और ग्रीनरी इस सारे एरिए में बहुत ज़्यादा है। अब ये देखें, ये सामने जो लैंड है ये सारी यहाँ पे गंदुम होती है। ये सामने जो आपको डिज़ाइन बने हुए पहाड़ों पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ गंदुम लगती है। इस एरिए की सबसे ज़्यादा गंदुम यही होती है इस पूरी वैली में, लीपा में। मुजफ्फराबाद से जो ट्रैक आ रहा है लीपा की तरफ, इसी ट्रैक के ऊपर दो रास्ते हैं।
आप हटिया बाला तक तो थ्रू आउट उसी एक ट्रैक में आएंगे। हटिया बाला से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर आप कह लें, 3 किलोमीटर आगे एक सड़क जा रही है चकोटी सेक्टर की तरफ, और वहीं से एक सड़क नीचे उतर रही है, वो जा रही है लीपा वैली की तरफ। जो लीपा वैली की तरफ जा रही है वो सफर है तकरीबन वहां से कोई 72 किलोमीटर का, एंड ट्रैक मतलब कि जहाँ पे होता है वो 72 किलोमीटर है। और जो चकोटी सेक्टर की तरफ जा रही है वो टोटल ट्रैक है 50 किलोमीटर का। तो मेरा चकोटी का प्लान नहीं था, लीपा का था, क्योंकि हमेशा से लीपा जो है वो मेरे लिस्ट में रहता था, लेकिन मुझे जाने के लिए यहाँ पे कोई टाइम या कोई मौका या कोई बहाना नहीं बनता था। इस बार बहाना बना क्योंकि मेरे पास दिन थे, तो मैंने कहा चलें मजीद घूम लूँ, तो लीपा वैली की तरफ मैं आ गया। अब मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर जाऊंगा कभी चकोटी की तरफ भी। तो अब ये अब हम जिस गांव से गुजर रहे हैं ये है रेशिया। हटिया के बाद इलाका आता है रेशिया, रेशिया के बाद आएगा दाऊखन टॉप। दाऊखन टॉप तक हम जाएंगे, आपको वो हाईएस्ट पॉइंट दिखाते हैं, फिर नेक्स्ट मजीद में आपको यहाँ पे जो जो इलाके जो जो विलेजेस मैंने विजिट किए हैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बज़ाहिर मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था अकेले सफ़र करने का, लेकिन मैं समझता हूँ कि अकेले सफ़र करना रिस्की तो है लेकिन उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, इस सफ़र में ये हुआ कि मैंने हमदर्दियाँ बहुत ज़्यादा ली हैं। लोगों ने कहा कि यार बंदा अकेला है, सफ़र कर रहा है और हमारा इलाका प्रमोट करने आया, देखने आया, तो लोगों ने जो है वो वेलकम बड़े अच्छे से किया। ऐसा नहीं है कि अकेले होने की वजह से वेलकम किया, लोग मुझे दूसरे इलाकों की निस्बत यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लगे, क्योंकि यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं उनका जो है ना वो आना जाना कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे होटल्स नहीं हैं, कम टूरिस्ट आते हैं, लोगों ने कम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की हुई है। लेकिन ये है कि ये एरिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप इसको कहें कि टूरिस्ट ना आने की वजह से ये इलाका साफ सुथरा और पुरसकून है, तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम टूरिस्ट भाई जहाँ जहाँ घूम के आते हैं, जहाँ जहाँ विजिट करते हैं, वो वहाँ पे हम अपने आसार छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे टूरिस्ट के आसार ज़्यादा इसलिए भी नज़र आए क्योंकि ये इलाका मुझे नीट एंड क्लीन लगा है। रोड्स भी यहाँ पे कारपेट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस है यहाँ पे। ये एरिया बेसिकली आगे बॉर्डर की तरफ जा रहा है, बॉर्डर बॉर्डर को टच करता है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। अब ये जैसे जैसे दाऊखंड टॉप करीब आता जा रहा है तो हम हाइट पर जाते जा रहे हैं। अभी अगर अब ये महीना है अप्रैल का, अगर हम इसमें आप ये कह लेंगे जून के महीने में यहाँ पे आए, तो ये जो आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है आपको इससे भी ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आएगी। मुझे लोगों ने यही सजेशन दिया कि आप 2 महीने बाद दोबारा आएँ, और मैंने उनसे वादे तो कर लिए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि दोस्त इकट्ठे करूँ और दोस्तों को कन्विंस करूँ यहाँ लेके जाने के लिए। अब हालांकि ये धूप निकली हुई है, लेकिन ये है कि अच्छी वाली ठंडी हवा चल रही है और मुझे हवा महसूस हो रही है। बाइक चलाते हुए जो है वो मैंने जैकेट भी पहनी हुई है, हाँ है स्लीवलेस, लेकिन यह है कि हवा ठंडी है। अब टॉप की तरफ जैसे जैसे जाते जा रहे हैं ना, तो वो मंजर हसीन होता जा रहा है। दाऊखन टॉप के ऊपर बेसिकली को बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं हैं बाबूसर टॉप की तरह, बस एक होटल है, उनके पास कोई 4-6 कमरे हैं, दो होटल्स कह लें आप, साथ में एक चेक पॉइंट है, और उसके बाद जो है वो आपका सफ़र नीचे की तरफ उतर जाता है। और वहाँ पे एक अच्छा टूरिस्ट मोटल भी है, टूरिस्ट डेवलपमेंट वालों टूरिज्म वालों का एक होटल भी है, तो वहाँ पे भी हमें मुनासिब कमरे मिल जाते हैं। अगर फैमिलीज वगैरह हों तो उनके लिए वो होटल मुनासिब रहेगा। अब जैसे जैसे हम दाऊखान की तरफ जाएंगे ना, तो लैंडस्केप मज़ीद प्यारा होता जाएगा। अब यहाँ पे लोकल बसेस भी चलती हैं, बसेस देख के मुझे आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे नीचे से जो है वो मुजफ्फराबाद से लोकल बसें भी यहाँ पे सफ़र करती हैं। अब लोकल बसें सफ़र करती हैं तो इसका मतलब यही है कि ये एरिया जो है वो बिजी है, यहाँ पे बिजी रूटीन है। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट से समझ लें कि ये लास्ट ब्रिज है दाऊखान से पहले।
इस ब्रिज के बाद जो है वो हम दाऊ खान की तरफ जाएंगे। मैंने सोचा ये बस का शॉट हम भी ले लें, लड़के बड़े शिद्दत से इस बस का वेट कर रहे थे शॉट लेने के लिए कि बस यहाँ से गुजरे ही और जी हम इसका शॉट लेंगे। मैंने ये शॉट लिया और जब मैंने इसको अपने इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को अपलोड किया और टिकटॉक पे अपलोड किया तो मुझे बड़े व्यूज़ मिले। एक अच्छे से साउंड के साथ रख के मैंने इतने से क्लिप को अपलोड कर दिया था। ये देखें ना, अब लैंडस्केप मज़ेदार होता जा रहा है। अब आपको छोटे छोटे स्पॉट्स जो हैं वो नज़र आने लग जाएंगे, आबादी नज़र आने लग जाएगी, क्योंकि पीछे तो कुछ नया था, कुछ नहीं था। अभी हम जैसे जैसे सड़क और व्यू प्यारा होता जा रहा है, सड़क हाइट पर जाती जा रही है, इसका मतलब यही है कि हम टॉप के मज़ीद करीब आते जा रहे हैं। दाउखन टॉप पे बैठ के जो है वो मैं थोड़ा सा स्टे करूँगा, कुछ चाय वगैरह या अपने कैमरा की और फ़ोन की चार्जिंग वगैरह करूँगा, क्योंकि जो मेरा बाइक का चार्जर है वो काम नहीं कर रहा, उसने मुझे धोखा दे दिया, जैसे मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दे दिया। तो फिर वहाँ से जो है वो थोड़ा स्टे करके फिर नीचे की तरफ सफ़र शुरू करूँगा। दाउखन टॉप के बाद एक जो है वो मुझे जगह जो देखनी है वो उसे कहते हैं कि त्रेडा शरीफ ज़्यारत, जो बेसिकली किसी बुजुर्ग का मज़ार है। उसके बाद जो है वो मैं लीपा की तरफ चला जाऊँगा और रात लीपा में स्टे करूँगा, या लीपा में स्टे ना किया तो फिर वहाँ से वापस आ जाऊँगा। मुझे बताया गया है कि लीपा से पहले और लीपा के बाद दो विलेजेस हैं। लीपा से पहले एक वैली है, उसका नाम है स्प्रिंग वैली, वो भी मुझे विजिट करनी है। वहाँ पे बताया गया है जी कि अच्छे होटल हैं। लीपा वैली भी देखेंगे। लीपा वैली बेसिकली अपने लैंडस्केप की वजह से बहुत मशहूर है। जो यहाँ पे गंदम है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, कश्मीर की सारी गंदम की प्रोडक्शन यहीं पे है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस लैंडस्केप को जितनी ज़्यादा हाइट पे जा सकूँ, उतनी हाइट पर जाकर उस लैंडस्केप को जो है वो कैप्चर करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि अगर आप लोगों ने जाना है तो आप लोगों के लिए आसानी हो। ये जी हम दाऊखंड टॉप पे पहुंच गए हैं। ये और ये जी बेसिकली यहाँ टॉप पे पे खड़े होकर स्पॉट मैंने है वीडियो बनाई है। दाऊखंड पे। ये हमारी जो है वो लारी है जो हमने यहाँ तक लाई है, सामान से लोड है। ये टॉप पे बैठने का व्यू है, यहाँ पे लोग आते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, स्टे करते हैं। पास यहाँ जो है वो सिक्योरिटी भी होती है। मैंने कहा चाय पी लें यहाँ पे हम। और ये जी आप इनके कमरे देख लें, मुनासिब से कमरे हैं एरिया के हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो लोगों ने यहाँ स्टे नहीं करना होता, क्योंकि यहाँ पे रात में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, रूम नहीं, यहाँ पे बारिश हो जाती है और बर्फ़ यहाँ पे जो है ना वो ख़राब वेदर हो तो अक्सर यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ जाती है। जब बारिशों का ज़्यादा सीज़न हो तो रात में यहाँ बर्फ़ भी पड़ जाती है, यहाँ ठंड काफ़ी होती है। हाइट इस बाबू से टॉप जितनी तो नहीं है, लेकिन इस एरिया में सबसे ज़्यादा हाइट है। तो यहाँ पे हम कुछ लोगों से भी गपशप करेंगे, अगर हमें को मिल गया तो। सामने एक पार्टी बैठी हुई है, मैं सोच रहा हूँ उनसे कुछ गपशप करूँ। तो अब जो है वो हम ये सारा दाऊखन विलेज ही है बेसिकली, साइडों पे नीचे यहाँ पे आबादी है। तो अब दाऊखन से जो है वो मैंने ये सारा पॉइंट देख लिया है। अब मैं सोच रहा हूँ अपना सफ़र जो है वो आगे का शुरू करूँ। यहाँ पे आगे एक मोटेल है, दाऊखन फैमिली मोटेल। मैंने कहा आपको उसका व्यू भी दिखा दें, वो व्यू आप देख लें। तो कहते हैं उस व्यू के बाद जो है वो फॉरेस्ट शुरू हो जाएगा। ये राइट साइड पे हमारे जो है वो मोटेल आएगा, वहाँ पे ज़रा कमरे बेहतर हैं इधर से, और फैमिलीज के लिए जो है वो अच्छा पॉइंट है। और टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है वो होटल है, तो वहाँ पे डिस्काउंट रेट है। ये राइट साइड पे आपको ब्लू बोर्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पे यहाँ से इस होटल की एंट्रेंस है, और इधर ही पार्किंग वगैरह और इसी साइड पे है, और यहीं से जो है ये सारी फॉरेस्ट लैंड शुरू हो गई है दाऊखन की तरफ। अब ये जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो इस फॉरेस्ट में हमें थोड़ी सी बर्फ साइडों पे मिलेगी। तो इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं, और आपके लिए मैं अगली वीडियो की तैयारी करता हूँ, और ख़ुद जो है वो यहाँ पे खड़े होकर कुछ थोड़े से शॉर्ट्स लेता हूँ, और कुछ ही दिनों में मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा जो हम दाऊ खान से लिपा के जितने पॉइंट्स हैं उसमें सारे ऐड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।